ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਹੁਣ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਤੋਂ ਲਿਖਤੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਲਈ ਅਤਿ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਿਮਾਣੇ ਸਿੱਖ ਵਜੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੰਨਦਾ ਆਇਆ ਹਾਂ ਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਜੀਵਨ ਮੰਨਦਾ ਰਹਾਂਗਾ। आप जी जिस स्थान उत्ते विराजमान हो, मैं उस बारे कदे भी कोई भी इतराज योग टिप्पणी करन बारे सोच भी नहीं सकता। मैं सिख मर्यादा विच रहन वाला सिख हाँ ते मेरे वलो पिछले दिनी कीतियां गईयां टिप्पणियां किसे होर सियासी पार्टी संबंधी सन। फिर भी जेकर अनजाने च मेथों जो इस महान संस्था की शान ते अजमत नूं ठेस पहुंची है, मैं खिमा दा जाचक हाँ। मैं श्री अकाल तख्त साहब जी दे सामने सिर झुकांदा होया जथेदार साहब पासों माफ़ी दा तलबगार हाँ। मैं समझदा हाँ कि मनुख भुलणहार है अते गुरु बख्शिंद है, इसलिए मेरी बेनती है कि भुल विच होई मेरी उपरोक्त खुनामी नूं बख्श दिता जावे। आप जी दा हुक्म हमेशा सिर मथे, गुरु पंता दास अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग। तां आ चिट्ठी लिख के राजा वड़िंग वलों श्री अकाल तख्त साहब तो माफ़ी मंगी है। जिक्र खास है कि बीते दिनी सुखबीर सिंह बादल दे खिलाफ चल रही कार्रवाई नूं राजा वड़िंग वलों स्क्रिप्टिड दस्या गया सी। इसे ते नोटिस लेंदे होए श्री अकाल तख्त साहब दे जथेदार ज्ञानी रघुवीर सिंह वलों राजा वड़िंग नूं ताड़ना कीती गई सी ते माफ़ी मंगन दी गल आखी सीगी, ते हुण राजा वड़िंग वलों लिखती दे विच माफ़ी मंग ली गई है। तुहाडा की कुछ कहना इस खबर ते, तुसीं वी कमेंट करके जरूर दसो।